शादी का क्या सोचा है भाई, लड़की कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा हो, वेट कितना हो? अपने पे अंदाजा लगा रहे हैं, आप जैसी हो जाए। मेरे जैसी लड़की? इतने फिट हैं आप, क्या खाते हैं, कितनी रोटियां खा जाते हैं? यही कोई एक टाइम की 10 खा जाता हूँ। 10 खा जाते हैं वैसे? और आपकी ये मतलब ब्यूटी का राज क्या है? ब्यूटी तो बस अल्लाह ने दी है, लड़कियां इतनी फैन है अपनी, ये ऐसे करके है। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ फैसलाबाद के फेमस टिकटॉकर चांद बिल्लीवाला से, जिनकी हाइट जो है वो 2.5 feet है, जबकि जिनका वज़न जो है वो 67 kg है और जिनकी एज जो है वो 20 साल है। उनसे हम चिट चैट करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे आपकी मैं मुलाकात करवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चांद? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चांद, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आपका नाम चांद बिल्लीवाला कैसे? वो ऐसे है कि मुझे बिल्ली रखने का शौक़ था, बिल्ली रख ली थी तो ऐसे नाम मैंने डाल दिया टिकटॉक पे, चांद बिल्लीवाला, तो फेमस भी हो गया। टिकटॉक बनाने का शौक़ जो है वो कब से हुआ, कब से बना रहे हैं टिकटॉक? टिकटॉक बनाते बनाते कम से कम मुझे 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? मेरे 3 मिलियन हैं। अच्छा वाह, 3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो चांद बिल्लीवाला के। अच्छा चांद, ये बताइएगा कि आप टिकटॉक पे कैसे कंटेंट जो है वो बनाते हैं, कैसी वीडियोज़ बनाते हैं? मेरा ज़्यादातर लड़की वाला रोल होता है, लड़की वाले सूट पहन के तो मुजरों पर बजन के बनाता हूँ मैं। और दूसरा बताएगा कि करते क्या हैं? करता कुछ भी नहीं, वेले, सानू कोई काम नहीं है। वेले रह के कैसे गुजारा होता है? हो जाता है। अच्छा, जिंदगी कैसी चल रही है ये भी बताएगा? जिंदगी बहुत अच्छी ते फनी, यकीन करो घरों गालां ही बड़ियां पैंदियां वेले रह के। वीडियोस बनाता कौन है आपकी वैसे? वीडियो मेरा कैमरामैन बनाते हैं, कैमरामैन रखे हुए हैं दो, वो बनाते हैं मेरी वीडियो। अच्छा, ये बताएगा कितनी वीडियोस जो हैं वो आप एक हफ्ते में बनाते हैं, कैसा कंटेंट होता है, तैयार कौन करता है, तमाम अपने बारे में बताइएगा हमारे व्यूवर। ये है ना, वीडियो हम लोग बनाते हैं जुम्मे के जुम्मे बना कर रख ली, फिर पूरे हफ्ते में वो डाल देते हैं और फिर अगले जुम्मे फिर बना ली, ऐसे करके बनाते हैं। अच्छा, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? इतने फिट हैं आप, क्या खाते हैं, कितनी रोटियां खा जाते हैं? यही कोई एक टाइम की 10 खा जाता हूँ। 10 खा जाते हैं वैसे? खा जाता हूँ, हेल्दी इसलिए तो हूँ। आपकी ये मतलब ब्यूटी का राज क्या है? ब्यूटी तो बस अल्लाह ने दी है, लड़कियां इतनी फैन है अपनी। बाल में आगे देख रही थी बड़े, वो आप वो अजय के स्टाइल में यूं करके पफ जो है वो घुमा रहे थे, ये ऐसे करके है। अच्छा, लड़कियां भी फैंस हैं आपकी? हाँ बहुत। अच्छा, आपको फैमिली में कौन कौन सपोर्ट करता है? फैमिली में कोई भी नहीं। कोई भी नहीं करता? तो मतलब किससे बनती है, किसी से भी नहीं? कोई फैमिली में है कौन कौन पहले ये बताएं। फैमिली में मेरे बहन भाई हैं, मम्मा पापा हैं, सारे हैं। अच्छा, तो आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट किसकी है? मेरी ज़्यादा अटैचमेंट मेरी मम्मा से ही है। मम्मा से है? अच्छा, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी रूटीन बता। मैं सुबह रात को 4 बजे सोता हूँ, सुबह के 4 बजे, 6 बजे फिर उठ जाता हूँ। क्या करते रहते हैं 4 बजे तक जा कर? मोबाइल पर टिकटॉक, कौन सी बनानी है कौन सी नहीं बनानी, ये वाला सारा कुछ देखता रहता हूँ। तो आप काफ़ी मालदार होने हैं अगर आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, और मतलब हर टाइम जो कितनी अर्निंग कर लेते हैं टिकटॉक से? टिकटॉक से कोई अर्निंग नहीं होती है, अगर अर्निंग होती होती तो अभी मेरी जेबें फुल होनी थी, जेब में 10 रुपये भी नहीं है। जेबें तो फुल नहीं है आप, बहरहाल मुझे फुल लग रहे हो हर लिहाज। फुल तो मैं हूँ, रहता ही हूँ ऐसे ही, सुबह सुबह 10 नान खा के आया हूँ। 10 नान? वाकई 10 नान खाए हैं? किसके साथ? पाए के साथ। अच्छा, मतलब खुराक जो है वो आपने सेट वेट रखी हुई है अपने, जैसा कि फैसलाबादी जो है वो जुगते मारने में किसी से पीछे नहीं है। फैसलाबादी मोस्टली मशहूर ही होते हैं कि फैसलाबादी जुगते बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को अपनी कोई फ़नी किस्सा बताएं, फ़नी कोई दोस्तों के साथ कैसी एक्टिविटी? फ़नी किस्से ये है, मैं छोटा सा कद है लेकिन बदमाशी के रोल करता हूँ, बदमाशी के लायक तो नहीं हूँ, बदमाशी के रोल। मतलब हम आपको छोटा डॉन भी बोल सकते हैं फैसलाबाद? हाँ जी, यस। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आपकी ये हेयर स्टाइलिंग, आपकी ब्यूटी जो है केयर, ये आप कैसे करते हो? कोई स्पेशल नाई रखा है अपना मेकओवर करवाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, या वो जो रोड्स पे बैठे होते हैं और वो आगे चेयर लगा ली और कंघा रखा है, उनके पास जाते हो? नहीं, मैं जोन सी दुकान पर चला जाऊँ ना, उधर मेरा फ्री सब सारे बाहर भाग जाते हैं आपको देख। वैसे ऐसे ही समझ ले, फ्री नहीं करते वो, भाग जाते हैं, वो कहते हैं जी चांद बिल्ली वाला आ गया तो हम निकल जाएं। नहीं, मैंने एक हाथ को पकड़ के रख लेता हूँ,
तुमने किधर नहीं जाना, इधर वाले मेली करो फिर जाना। तो मुझे हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं, या आप क्या ड्रीम सोचा हुआ है कि जिंदगी आप कैसे गुजारोगे, या काश ये हो जाता। मुझे पैसे को भी पैसे भी नहीं चाहिए, कोई मेरी ख्वाहिशात ऐसी नहीं है। मेरी ख्वाहिशात सिर्फ एक ही है कि मैं और फेमस हो जाऊँ, और फेमस हो जाऊँ। फेमस हो के क्या करेंगे, जब आप अर्निंग करने लग जाएंगे तो क्या करेंगे फेमस? अर्निंग का तो मुझे पैसे का लालच ही नहीं है, मेरे घर वाले मुझसे यही लड़ते रहते हैं, पैसे नहीं चाहिए। पैसे मुझे लगता है वैसे ही बहुत ज़्यादा आपके पास। नहीं मुझे चाहिए नहीं, नहीं। अच्छा। तो जस्ट ये है कि टिकटॉक पे फेमस हो जाए। हाँ टिकटॉक पे फेमस हो जाऊँ। कोई बिजनेस करने का या कुछ ऐसा नहीं? ना काम करना ही नहीं, वेले गुजार देनी सारी जिंदगी। शादी का क्या सोचा है भाई, लड़की कैसी होनी चाहिए? सोनी जी होनी चाहिए। क्या क्या उसके अंदर वो खूबियाँ हों जिसके साथ आप, मतलब वो मुझे बताओ, जरा एक स्केच सोचो हमारे व्यूवर्स को बताओ कि लड़की कैसी हो, दिखने में कैसी हो, कितनी पड़ी हो, कलर कैसा हो, वेट कितना हो। अपने अंदाजा लगा रहे हैं, आप जैसी हो जाए। मेरे जैसी लड़की? चले जी, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे, जैसी आप चाहते हैं। अच्छा अब आप हमें डांस करके दिखाएंगे बाद में भी? अच्छा हमारे व्यूवर्स के क्या कहना चाहते हो आप, वो बोलो कि मतलब अपनी, अल्लाह ताला ने हर एक को हर हिसाब से बनाया ना, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े में हो, आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो इंसानियत के? इंसानियत के नाते ये है कि जो यानी कि अपने आप को मंजूर समझते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अंदर रह के कुछ ना करें, बाहर आए, पब्लिक के सामने आपकी हेल्प हो, मैं बस यही चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि व्यूवर्स आपकी मैंने मुलाकात करवाई फैसलाबाद के मशहूर टिकटॉकर चांद बिल्लीवाला से, जो कि छोटी हाइट होने के बावजूद भी जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और इसी हाइट में जो है वो खुश है, अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहे हैं, और वो इंजॉय भी कर रहे हैं, और वो मज़ीद इंसानियत को, इंसानों को ये मैसेज डिलीवर करते हैं कि हर एक हाल में जो है ना खुश होना चाहिए, और ज़िंदगी को जो है वो फुल भरपूर मज़े से जो है वो गुजारना चाहिए।